महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन की आज 74th डेथ एनिवर्सरी है, और हम आपको यहाँ पर बता दें कि बिल्कुल आज जो है उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, और सिर्फ जम्मू में ही नहीं पूरे देश में जो है आज उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। 30 जनवरी की बात करते हैं, 30 जनवरी का वो दिन जिस दिन वो नथुराम गोडसे की गोलियों का शिकार हो गए थे, और उसी के साथ बात करते हैं आज उन्हें पूरे देश भर में जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है, और जम्मू में भी कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं आपको जो है वो दृश्य दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखें कि महात्मा योगेश सानी जी, जिस तरह से आज जो महात्मा गांधी जी की 74th जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, पूरे देश भर में जो है आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जन जो है गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको मालूम होगा कि ट्वीट भी हो रहा है कि भी इस भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज के इस दिन पर जो महात्मा गांधी की शहादत का दिन माना जाता है उसको किसी और लोगों के साथ जोड़ना, ठीक है इस भारत को आजादी कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन पर्टिकुलर 30 जनवरी का दिन जो है जो गांधी जी के नाम है, जो महान शहीद थे हमारे इस भारतवर्ष में, पूरा जीवन अपना दे दिया इस भारत की आजादी के लिए, और उसके साथ भारत सरकार ने दूसरे लोगों को भी उनके साथ जोड़ा, वो बहुत ही गलत और एक छोटी सोच है इन लोगों की, और खासकर जो हम बोलते हैं कि जो ये हिंदूवादी जो है, खास करके जो आरएस के जो लोग हैं, वो हर चीज को मिटाना चाहते हैं कि जिस लोगों के नाम इस आजादी के साथ जुड़े हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने ही यहाँ पर जो है कानून भी अपने लाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो पुण्य तिथियां दी गई हैं उन्हें भी वो बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे आप देखिए कि गांधी जी की इंदिरा गांधी की शहादत थी, इंदिरा जी के दिन भी अब दूसरा नाम साथ में जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि आप उन लोगों की भी बहुत सी कुर्बानियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर आज के दिन जिस इंसान ने महात्मा जी को 3 गोलियां मारी, आज उनके कहने पे उनकी सोच के लोगों ने बाकी लोगों को साथ जोड़ना, ये एक अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस तो हमेशा आज सदियों से जब से गांधी जी की शहादत हुई है उनका दिन मनाते रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी आज के दिन सिर्फ गांधी जी की शहादत के नाम पे दिन को मनाती रहे। साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर वाकई में जो है 30 जनवरी का दिन जो है वो महात्मा गांधी जी की याद के साथ साथ अन्य जो शहीद हैं उनको भी जोड़ दिया, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। कांग्रेस का ये कहना है कि साफ तौर पर कि अगर आजादी दिलाने में सबका महत्वपूर्ण दिन है, पर कहीं ना कहीं 30 जनवरी का दिन है जो वो सिर्फ जो है वो महात्मा गांधी को याद किया जाना चाहिए, अन्य शहीदों को जो है वो याद नहीं किया जाना चाहिए, उनके लिए जो है वो कोई और दिन होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार अभी जो है चला रही है, कहीं ना कहीं वो इस तरह के कानून की बात करते हैं, कानून भी ला रही है, और इस तरह के जो है मिटाने का, जिस तरह से पुण्य तिथियों को मिटाने का जो है वो काम कर रही है, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है, और 30 जनवरी कांग्रेस जो है वो हमेशा महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि के रूप में ही मनाएगी, यानी उनकी जो डेथ एनिवर्सरी उसके रूप में मनाएगी। तो आज महात्मा गांधी जी की 74th डेथ एनिवर्सरी थी, जिसे कांग्रेस ने, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर उनका स्टेचू है बिल्कुल सतवारी मेन चौक में, वहीं पर बनाया। तो ऐसी और भी अपडेट्स देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान का सलाम।